बिग बॉस सीजन 13 दर्शकों को खूब इंटरटेन कर रहा है, इसी वजह से शो को 5 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि इस हफ्ते घर से कोई भी बेघर नहीं होगा। न्यू ईयर होने की वजह से बिग बॉस ने ये फैसला लिया है कि इस हफ्ते घर से कोई बेघर नहीं होगा। इस समय घर में टोटल 12 लोग मौजूद हैं, कुछ की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है तो कुछ 3 महीने से घर में बने हुए हैं। घर में टीवी एक्ट्रेस मधु रिमा तुली भी वाइल्ड कार्ड से एंट्री बनकर आई हुई है। हालांकि बिग बॉस के घर में मधु रिमा कुछ खास नहीं दिखा पा रही है। तो दोस्तों, आज इस गॉसिप में मैं बात करने वाला हूँ मधुरिमा के बारे में। मधुरिमा के कुछ सीन काट दिए जाते हैं, कौन से सीन काट दिए गए हैं आपको इस वीडियो में मैं खुलासा करूंगा। तो मैं हूँ जाकिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाकिर यूट्यूब पर। तो दोस्तों, अभी तक क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और साथ में ही आपके सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, बिग बॉस के घर में मधुरिमा कुछ खास नहीं दिख रही है। इसकी वजह से ये भी है कि मधुरिमा के सीन काट दिए जा रहे हैं। इसी बात का खुलासा तब हुआ जब एक टास्क करते हुए मधुरिमा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई। जैसे कि आप जानते हैं, बिग बॉस 1 घंटे का शो होता है। 1 घंटे के शो में मधु को बहुत कम समय के लिए दिखाया जाता है। पिछले दिनों हुए हेयर स्टाइल टास्क में मधु ने रैंप वॉक किया था, लेकिन इनके सीन काट दिए गए थे। यहाँ पर आप एक्सक्लूसिव फोटो देख रहे हैं जिसके अंदर मधु रिमा ये टास्क करती हुई नजर आ रही हैं। घर वालों में सिर्फ शिफाली बग्गा, शहनाज गिल, रश्मि देसाई और मायरा शर्मा का रैंप वॉक दिखाया गया था। इस टास्क में आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला जज बने हुए, दोनों ने मिलकर शहनाज को ये टास्क जिताया था। वहीं मधुरिमा की रैंप वॉक काटने से दर्शक नाराज हैं। दर्शकों का ये सवाल है कि मधुरिमा के सीन क्यों काटे गए। एक यूजर्स ने कलर चैनल को टैग करते हुए लिखा है कि मधु की परफॉर्मेंस काटने से हमें निराशा हुई है, आखिर क्यों उनकी परफॉर्मेंस काट दी गई। एक और यूजर ने लिखा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर लोग बोर हो गए, विशाल और मधुरिमा को कोई और अच्छा शो मिलना चाहिए, ये कलर चैनल कभी नहीं सुधरेगा। बता दें कि इस हफ्ते मधुरिमा तुली, शिफाली बग्गा और अरहान खान बॉटम 3 में है। हालांकि नए साल होने की वजह से इस हफ्ते किसी भी घर वालों को घर से बेघर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है, मधुरिमा के सीन क्यों काटे गए होंगे? कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।